देखो साड़ी बाइक जिस तरह तोड़ के गए हैं तो सर वो भी कवरिंग करो। तो इस चीज़ में लेंदे हुए जो आए प्रवासी उन्होंने मेरे उत्ते हमला भी किया। अमृतसर के छेहटा इलाके च कुछ प्रवासियों उपर गुंडागर्दी करन अते एक पंजाबी नौजवान की कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने, जिस दियां कुछ वीडियोज भी सामने आईयां ने। तस्वीर एक हस्पताल के बाहर दियां ने, जिथे कुछ प्रवासी मजदूर एक नौजवान नाल खिचतू करदे अते उसके मोटरसाइकिल नूं धक्के मारदे नजर आ रहे ने। जानकारी मुताबिक एक प्रवासी व्यक्ति पंजाबी नौजवान सुखचैन सिंह कोल काम करता सी, जिसका के बीती रात एक्सीडेंट हो गया। जदों पंजाबी नौजवान उसका पता लैन हस्पताल गया तो उसके कुछ होर साथी प्रवासी मजदूर ने नौजवान ते हमला कर दिता। इल्जाम लगे ने कि जदों वो जान बचा के घर आया तो प्रवासी उसके मगर आ गए और घर आके हमला बोल दिता। बहस हो गई, मैं अपना बाइक ली, बाइक की मेरी उन्होंने चाबी खो ली। प्रवासी सारे बंदे आ मेरे जानकार दे विच आ, जे ते भी कहोगे तो मैं एक एक बंदा इकट्ठा कर सकदा। उस गल नूं मसले नूं आपां करके क्लीयर, आपां उत्थों अपनी जान नूं खतरे दे विच वेखदे होए मैं उत्थों निकल चुका सां। जदों मैं अपने घर आ चुका, अपने गोदाम दे विच आ चुका, मैं अपने साथियों नूं इतलाह दित्ती, जिन्हें भी मेरे साथी आ मैं सारे नूं अपनी इतलाह दित्ती भी आह काम हो चुका उत्थे। चलो इन्होंने अपने कार्रवाई दे विच अपना जो भी किया, अपना इत्थे अंदर बैठे सी बाहरों आए प्रवासी, उन्होंने मेरी बाइक जिहदे उत्ते हमला किया। बाइक दी भाजी तुसीं रिपोर्ट करो, आ देखो साडी बाइक जिस तरह तोड़ के गए आ, तो सर उहदी भी कवरिंग करो। तो इस चीज़ नूं लैंदे हुए जदों आए प्रवासी उन्होंने मेरे उत्ते हमला भी किया। आ देखो आ मेरे उत्ते सट्टा भी लगी हुई वा। बिल्कुल सर, पुलिस नूं रिपोर्ट की आ। जबकि पुलिस मुताबिक उन्होंने पीड़ित नौजवान सने प्रवासियों वालों भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसनों देखद दोवां धिरां नूं थाने बुला के अगली कार्रवाई की जाएगी। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਪਲੇਟਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਪੂ ਸੰਧੂ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਟ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।